सारे शिक्षकगण और मेरे प्यारे सबको सुप्रभात। तो मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप तैयार है? अच्छा, तो बताइए त्योहार शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्योहार? त्योहार कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं? डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स आर फेस्टिवल्स आर देयर? हाँ, दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? एक धार्मिक त्योहार और एक राष्ट्रीय त्योहार। धार्मिक त्योहार का अर्थ है रिलीजियस फेस्टिवल और राष्ट्रीय त्योहार का अर्थ है नेशनल फेस्टिवल। तो धार्मिक त्योहार यानी हम लोग मनाते हैं दसरा, दीपावली, दशहरा, संक्रांति, रमजान, क्रिसमस, ये सारे जो है धार्मिक त्योहार के अंतर्गत आते हैं। और राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं? जैसे कि बाल दिवस। बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे। बाल दिवस हम कब मनाते हैं? नवंबर 14th यानी 14 नवंबर। गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या है? रिपब्लिक डे। यस, गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। हाँ, वैसे ही स्वतंत्रता दिवस यानी आज हम मना रहे हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं। तो ये सारे त्योहार जो है वह राष्ट्रीय त्योहार के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए कितने प्रकार के त्योहार है? राष्ट्रीय त्योहार और धार्मिक त्योहार। तो बताइए कि आज हम कौन सा त्योहार मनाने जा रहे हैं, राष्ट्रीय त्योहार या धार्मिक त्योहार? राष्ट्रीय त्योहार। हाँ, आज हम भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। सो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो अच्छा, मैं इस स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। आज से पूर्व 200 शताब्दी पूर्व हमारे भारत देश में अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार राज्य करते थे। हाँ, और हम भारतीय जो है उनके गुलाम थे। गुलाम का अर्थ क्या है? स्लेव। ओके, तो इस गुलामी के जंजीरों से मुक्त होने के लिए हमारे भारत देश में अनेक क्रांतिकारियों ने, वीर महान क्रांतिकारियों ने जन्म लिया था। हाँ, और जिनके कारण हम आज का यह दिवस देख पा रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, तो इन शहीदों को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा उन्हें याद रखना चाहिए। इसलिए एक लता मंगेशकर जी का गीत है जिसके कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, सुनिए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब हम बैठे थे घरों में, वे झेल रहे थे गोली, संगीन पे रख कर माथा, अब कहें कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना। तो बच्चों, ऐसे शहीद लोगों को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहेंगे। हाँ, हमेशा उन्हें याद रखना है, क्योंकि इन शहीद लोगों के कारण ही आज का हम यह स्वतंत्रता दिवस देख पा रहे हैं और उसे मना रहे हैं। अच्छा बच्चों, आप याद रखेंगे ना? अच्छा, हाँ, ओके। तो इस छोटे से भाषण को मैं समाप्त करना चाहती हूँ, और आपने जो मुझे यह भाषण देने का सुनहरा मौका दिया है उसके लिए मैं सबकी आभारी हूँ। अच्छा, सबको एक बार स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।